कि हमें अब विशेष तैयारी करनी है ताकि कोई बच्चा ये उलाना ना दे कि बाबा हम तो करना चाहते थे लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला, अमृत वेले उठना चाहते थे लेकिन रात को देर हो जाती थी इसीलिए हम कर नहीं पाए, ये कोई उलाना ना दे। तो इसीलिए बाबा ने ये विशेष ड्रामा अनुसार हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए ये समय दिया है ताकि ऐसे तीव्र गति का हम पुरुषार्थ करें ताकि अंत समय के पहले हम तैयार हो जाएं। तभी बाबा कई बार कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, अर्थात के भले लास्ट समय हमें मिला है लेकिन ये समय जो मिला है इस समय के अंदर इतना हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े जो सहजता से जो राज्य अधिकारी पद हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम कर सके, ताकि हमें जीवन में कभी कोई अफसोस न हो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या करे हम नहीं कर पाए, ऐसा कोई प्रकार का अफसोस हम बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज की बाबा की मुरली के वरदान से ही मैं कुछ बातें आपको सुनाना चाहती हूँ कि जो बाबा ने आज कहा रियलिटी, रियलिटी माना ही एक स्वच्छता और हमारी वास्तविकता जो एक बहुत सुंदर स्वरूप है, और ये कोई बाह्य स्वच्छता और सुंदरता की बात नहीं है, रियलिटी बाहर की नहीं है लेकिन ये बाबा कहे आंतरिक अंदर की रियलिटी और रॉयल्टी की बात है। और क्यों रियलिटी और रॉयल्टी हमें अपने अंदर में धारण करनी है, क्योंकि बाबा कहे कि तभी एक जिसको कहा जाए कि एक आकर्षण, रूहानी आकर्षण, ये रूहानी आकर्षण अनेक आत्माओं को बाबा तक खींचेगा, बाबा की ओर ले आएगा, जिसको कहा जाता है कि एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण हर एक आत्मा के अंदर हो कि जिस चुंबकीय आकर्षण से वो हर आत्मा बाबा के समीप आए और बाबा को पहचाने। दुनिया में भी लोग इसीलिए कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है, अर्थात कि स्वच्छता जब प्रभु का के समीप का समीपता हमें अनुभव कराती है और प्रभु के समीपता होने का मतलब ही है कि उसकी आशीर्वाद के पात्र हो जाना, बाबा के आशीर्वाद का पात्र बन जाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये स्वच्छता हम अपने अंदर ले आए, ये वास्तविकता हमारी रियलिटी जितनी हमारे अंदर होगी उतना बाबा के ब्लेसिंग के पात्र हो जाएंगे। देखो दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर ईश्वर के आशीर्वाद को, भगवान की दुआओं को प्राप्त करना हो तो क्या करो, ऐसे अपने आप को पात्र बना दो, सपूत बना दो, है ना। कैसे कल बाबा की मुरली के अंदर हमने सुना कि सपूत बच्चा बनता है, जितना हम सपूत बनते हैं उतना सहजता से हम बाबा के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की छत्र छाया, वो भगवान की आशीर्वाद हमें निरंतर सदा मिलती रहे, जिस परमात्मा दुआओं में हम पलते रहे, ऐसी पात्रता हमें अंदर से विकसित करता है। और शायद ये बहुत अच्छा समय बाबा ने दिया है हमें कि जिस तरह से हम अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन रखना चाहे, जिस तरह का अटेंशन हम अपने पर देना चाहे, वो अटेंशन हम अपने अंदर सहजता से ले आए।
बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है इसके ऊपर। एक बार एक राजा था और उसके राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी अपना एक झोपड़ी बना करके, एक छोटी सी कुटिया बना करके रह रहे थे। तपस्या में रहते थे, ज्यादातर तपस्या करते रहते थे। जो उस राज्य से लोग आते थे जाते थे, तो जब महात्मा जी को देखते थे तो स्वाभाविक है कि सर झुकाते थे, आशीर्वाद महात्मा जी के उस साधना को देखते हुए। और महात्मा जी का अगर ध्यान गया तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। अब महात्मा जी क्योंकि तपस्या में अधिक समय लीन होते थे, तो ऐसी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी कि जिस सिद्धि से जो सामने वाले की मनोकामना हो वो पूरी हो जाती। किसी का कोई प्रॉब्लम होता था, कोई समस्या होती थी, वो सुलझ जाती थी। किसी के जीवन में कोई परिस्थिति होती थी, वो समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे कई चमत्कारिक अनुभव होते थे। तो नेचुरल है कि वो लोग जाकर के राज्य के अंदर बात करते थे कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं वो बड़े सिद्ध महात्मा हैं। उनका आशीर्वाद जिसको भी मिल जाए वो सहजता से अपनी हर मनोकामना को अनुभव कर सकते हैं जीवन के अंदर। तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई, लोग आते रहे। कई बार महात्मा जी तपस्या में होते थे तो घंटों खड़े रहते थे कि महात्मा जी की आंख खुले, आशीर्वाद मिले। तो जब आशीर्वाद मिल जाता था, सचमुच उनके मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, तो धीरे धीरे ये आवाज आपकी तरफ फैल गया चारों। तो जो वहां का राजा था उनके कान में भी ये बात आई कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो राजा ने सोचा कि अगर ऐसा सिद्ध महात्मा है तो उनको तो राज्य की सीमा के अंदर आके रहना चाहिए, वो बाहर क्यों रह रहे हैं? यहाँ रहेंगे, लोगों की तकलीफें दूर होगी, मनोकामनाएं पूरी होगी, तो राज्य को भी लाभ होगा कि लोग ज्यादा कर दे सकेंगे। तो उसके मन में एक लालच आ गई, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आप जाकर के महात्मा जी से मिलिए और उनको कहो कि राजा का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हो, अंदर आकर के रहे। अब जो है कि मंत्री जी गए राजा का ये संदेश लेकर के, और जैसे ही गए महात्मा जी से मिले, महात्मा जी को कहने लगे कि हमारे राजा का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के अंदर आकर के रहो, राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो। और राज्य के सीमा के अंदर आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, वो राजा देने के लिए भी तैयार है, और अपना आश्रम बनाने के लिए भी जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने जब ये बात सुनी कहा ठीक है, और कहा ठहरो मैं आता हूं। अपनी कुटिया में जाकर एक कमंडल लेकर के आए और मंत्री जी से कहा चले। मंत्री जी ने इतना जल्दी तो सोचा नहीं था कि महात्मा जी तैयार हो जाएंगे, भाई चलने के लिए कहेंगे कि हाँ। फिर जैसे ही मंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है चलते हैं, तो सैनिकों को आगे भेज दिया कि आप राजा को संदेशा दो कि महात्मा जी मिलने आ रहे हैं। तो जैसे ही राजा को ये सूचना मिली, उसने सारी तैयारी कर ली उसके वेलकम के लिए, स्वागत की सारी तैयारी हो गई, और खुद सामने होकर के उनका स्वागत करने के लिए पधारे। अब जैसे ही महात्मा जी पहुंचे, बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ और उनको महल में ले गए, आसन ग्रहण करवाया, और बड़ी विनम्रता के साथ राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महात्मन, आप जो है हमारे राज्य की सीमा के अंदर आकर बाहर नहीं रहो। तो
राज और आपको जो चाहिए, भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, जितनी सोना मोहर चाहिए, वो भी हम देने के लिए तैयार है। तो महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, ये कमंडल भर करके सोना मोहर दे दो। अब कमंडल जैसे ही उठाया राजा ने, तो देखा कि इतना गंदा कमंडल था, बदबू मार रहा था, पता नहीं उसके अंदर क्या होगा, जाले लगे हुए थे, बहुत अशुद्ध था। तो राजा ने अपने सेवक को बुलाकर कहा कि ये कमंडल साफ करके ले आ। तो सेवक गए, बहुत अच्छी तरह से कमंडल साफ किया और साफ करा करके ले आए और राजा को दिया। राजा ने बहुत अच्छे से उसको पोछा और फिर उसके अंदर सोना मोहर भरी। फिर राजा ने सोचा, महात्मा जी तो आशीर्वाद बरसाएंगे, इतना सोना मोहर दिया। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, शांत हो गए, कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, महात्मा जी कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो भी महात्मा जी शांत रहा। फिर महात्मा जी से कहा राजा ने कि आपकी कृपा वृष्टि हो जाए। तो उस समय महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। तो कहा कि जिस तरह कमंडल गंदा था, आपने गंदे कमंडल में, गंदे पात्र के अंदर सोना मोहर नहीं डाली, उसको साफ करवाया। ठीक इसी तरह अगर आशीर्वाद चाहिए तो पहले मन की भावनाओं को शुद्ध करो, स्वच्छ करो। मन जितना स्वच्छ होगा, पात्रता आएगी, अपने आप आशीर्वाद की वर्षा हो जाएगी। मन का पात्र अगर अस्वच्छ होगा, गंदा होगा, अंदर उसके अंदर लालच होंगी, तो कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आज जब बाबा की मुरली में सुन रही थी कि बाबा ने कहा कि कई समझते हैं हमारे पास लाख है, करोड़ है ना, तो बाबा कहे कि ये जो नशा है, ये हमारे मन के पात्र को भी अस्वच्छ कर देगा। और जितना ये पात्र अस्वच्छ होगा, तो परमात्मा दुआएं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तभी बाबा कई बार भोली भोली माताओं को याद करते हैं कि भोली भोली माताएं कितना दिल से बाबा के पास भेज देती है, बाबा मेरा ये यज्ञ के अंदर लगाना, ये ईंट लगाना, इस तरह से भेज देती। और इसीलिए बाबा उनका स्वीकार करके उनको कितनी अथाह प्राप्ति करा देते हैं। बाबा की कुछ समय पहले की अव्यक्त मुरली सुनी थी हम सभी ने, कि जिसमें बाबा ने ये बात रहस्य स्पष्ट किया था कि जो बच्चे बाबा के यज्ञ के अंदर अपने धन को सफल करते हैं, उसका कोई जन्म द्वापर युग से कलयुग तक 63 जन्म में कोई जन्म भिखारी का नहीं होता है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही थी, कितनी अथाह प्राप्ति भगवान करा देते कि जिसने अपने धन को सफल किया यज्ञ के अंदर, तो भगवान उसके रिटर्न में क्या देता है, तो उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होता है। अब आप सोचो लेकिन वो साथ में इतना ही नहीं, लेकिन परमात्मा दुआएं ऐसी प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये दुआएं प्राप्त करने के लिए भी मन का पात्र इतना साफ स्वच्छ होना चाहिए। जितनी शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से, श्रेष्ठ भावना से हम सफल करते हैं, सबके कल्याण और सफल करते हैं, तो उसकी प्राप्ति भी ऐसी ही होती है। बाकी हाँ, अंदर में कोई कामनाएं हैं, इतना देने से बाबा हमारी ये मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो बाबा कहे ये पात्र अस्वच्छ हो गया। तो इसीलिए अपने मन के पात्र को कभी भी शुद्ध अस्वच्छ न करो। इसीलिए कहा कि दादी जी हमेशा ये तीन बात कहती थी जानकी दादी, के क्लीन और प्योर, है ना, क्लीन क्लियर और प्योर, यानी
मन का पात्र क्लीन हो, एकदम स्वच्छ हो, फिर बुद्धि हमारी स्पष्ट हो, क्लियर हो। अगर मन साफ होगा तो बुद्धि स्पष्ट होगी और दिल प्योर हो जाएगा। इसीलिए मन को स्वच्छ रखना, जो रियलिटी की बात कही आज बाबा ने, कि रियलिटी माना ही मन इतना शुद्ध स्वच्छ हो, है ना, तो दिल भी प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और हमारी बुद्धि भी क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आज के समय में यही तो आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में लोगों का मन अस्वच्छ है, टेंशन में है, तो बुद्धि काम ही नहीं करती है। बुद्धि जिस तरह से निर्णय लेनी चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि मन अशुद्ध है, दिल के अंदर भी प्योरिटी नहीं है, तो वो रियलिटी कहाँ से होगी। तो इसीलिए बाबा कहे, अगर बुद्धि स्पष्ट निर्णय कर सके तो उसके लिए मन का पात्र स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। एक बार कहीं पर हमने पढ़ा था कि दुनिया के अंदर चुनौती हर आत्मा के लिए होती है, हर आत्मा के सामने अनेक चुनौती आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है और किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार तो बंद कर देती है लेकिन पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ने वाला अनुभव कराती है, तो बहुत सुंदर वहां लिखा थी कि चुनौती के वक्त जो स्पष्ट निर्णय कर सकता है, सही निर्णय कर लेता है, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं और वो बहुत सुंदर पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका मन शुद्ध है, टेंशन है, कंफ्यूज्ड है, आज जैसे बाबा ने कहा, मन अगर कंफ्यूजन में है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, ये सारा किचड़ा अगर अंदर में है तो बुद्धि स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाती है और फिर वो व्यक्ति जीवन के अंदर पछाड़ने वाली स्थिति का अनुभव करता है। तो इसीलिए रियलिटी, दिल की, मन की, बुद्धि की, जितनी हम रियल स्वरूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जितना रियल स्वरूप में हम अपने आप को रख सकते हैं, उतना बुद्धि हर बात के अंदर स्पष्ट निर्णय कर सकते हैं। आज दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन आ रही है। देखो, कई बार कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया के अंदर देखते हैं तो ये लॉकडाउन जैसे एक प्रकार का लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। क्यों? तो कहा कि 24 घंटा एक दूसरे का मुंह देख करके एक दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है और उस कारण से कई झगड़े भी होने लगे हैं परिवारों के अंदर, मन मुटाव होने लगे हैं, कई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो जो पारिवारिक खुशी थी वही समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की कमी कमजोरी देख रहे हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि देखो, हर इंसान के अंदर अगर कमी कमजोरी है तो विशेषता भी है, कोई ना कोई अच्छाई भी है। कमी कमजोरी को क्यों देखें? उस तरफ हमारा दृष्टिकोण क्यों जाए? हम हर एक के अंदर अच्छी बातों को देखें, जो विशेषता है उसको देखें और एक दूसरे की विशेषता को देख करके एक दूसरे का सहयोगी बन जाए, मददगार बने। बाकी कमी कमजोरी देख करके एक दूसरे की शिकायत करते हुए, एक दूसरे को ताना मारते हुए, एक दूसरे का बार बार कहीं रीति से शुद्ध इंसल्ट करते रहते हैं, कई बार बोल में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो उससे क्या होगा? पारिवारिक सुख शांति तो समाप्त हो जाएगी और वो झगड़ों के कारण जो है
आज दुनिया के अंदर कहते हैं कि डिवोर्स के केसेस बढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की कमी कमजोरी देख रहे हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अपने दृष्टिकोण को इतना सकारात्मक और शुद्ध रखो, दृष्टिकोण को इतना पॉजिटिव बनाओ कि जिस पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमें हर एक की पॉजिटिव बातें ही दिखाई दे, नेगेटिव किसके अंदर नहीं है? अगर उसके अंदर नेगेटिव है तो हमारे अंदर भी है। संपूर्ण तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं बना है। तो नेगेटिव अगर दृष्टिकोण को अपना लेंगे तो जीवन की सारी सुख शांति समाप्त हो जाएगी, जीवन के सारा आनंद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे, एक दूसरे की अच्छाई को देखेंगे, उसको सम्मान देंगे, उसका रिगार्ड रखेंगे, तो और एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो जीवन की गाड़ी कितनी सुंदर हो जाएगी, इस लॉकडाउन का भी आनंद ले सकेंगे। तो बाबा के बच्चे उत्तर ले रहे हैं, लेकिन दुनिया की आत्माओं का क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, शांति उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे तुम्हें अपने मन को इतना प्योर शुद्ध बनाना है जो हम हर एक की अच्छाइयों को देखने का दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित करें, तो बड़ी से बड़ी बात भी सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, समाप्त तो हो जाएंगी, कोई भी प्रकार की दुविधा जीवन के अंदर अनुभव नहीं करेंगे। जो हमारा बोल कर्म है वो भी बहुत यथार्थ होने लगेगा, कहीं पर भी कोई प्रकार की अयथार्थता अनुभव नहीं होगी, कर्म हमारे यथार्थ होने लगेंगे। और इसीलिए बाबा कहे एक दूसरे के स्नेही बन करके सहज एक दूसरे के साथ चल सकेंगे, एक दूसरे के दिल को जीत सकेंगे। वो दिल को जीत करके हम एक दूसरे के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। तो वर्तमान समय के हिसाब से समय ये चाहता है, अगर मन की शांति बनाए रखना है तो एक दूसरे की कमी कमजोरी देखने के बजाय एक दूसरे की अच्छी विशेषता देखो। बाबा वैसे भी कहते हैं कि जो विशेषता देखता है वो विशेष आत्मा है, तो ऐसे विशेष आत्मा बन करके छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट न करे, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स और क्रिएट न करे, लेकिन जब विशेषता देखते हैं, ऐसे विशेष आत्मा बन जाते हैं तो प्रॉब्लम सबसे क्रिएट हो जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया समस्या स्वरूप बनना सहज है, लेकिन समाधान स्वरूप बनना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब अगर कमी कमजोरी देखेंगे तो समस्या बढ़ेगी या समस्याएं कम होगी, समाधान तो नहीं होगा। तो एक दूसरे की विशेषता देख करके चलेंगे, सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो बड़े से बड़ी परिस्थितियां भी छोटी हो जाएंगी, पार करना आसान हो जाएगा, समाधान स्वरूप बनना सहज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहे स्वच्छता हमें अपने जीवन के अंदर ले आना है। दूसरा, हमने जैसे कल बाबा की मुरली में सुना कि आज दुनिया के अंदर भय का भूत है, इतना भयभीत आत्माएं हो रही है, अब क्या होगा आगे ये समझ नहीं पा रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें ऐसी उनके सामने आ रही है जो भविष्य का भी सोच सोच करके लोग परेशान हो रहे हैं। नेचुरल है कि दुनिया के अंदर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ने वाली है, अनेक प्रकार की ये लॉकडाउन खुलेगा तो और समस्याएं भी लोगों के सामने आएगी। हम सभी जानते हैं कि देखो कल अमेरिका के अंदर कितना लूटपाट हो गया, कितने मॉलों को तोड़ दिया, कितनी दुकानों को लूट लिया, कितना हंगामा हो रहा है। अभी तो कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और अनेक जगह पर
क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो अनेक प्रकार से मार शुरू कर दी है। तो बाबा कहे ये सब तो होना ही है, उन्हें नहक खेल होना है, और क्योंकि मानसिक संतुलन किसी का नहीं रहा है इस दुनिया के अंदर, और जब मानसिक संतुलन ही खत्म हो गया है तो अनेक प्रकार का रिएक्शन अंदर से निकलता, अनेक प्रकार की जो दबी हुई नकारात्मक भावनाएं हैं वो बाहर निकलेगी, और वो व्यक्ति को जैसे हैवान बना देगा। तो इसीलिए ये समय हमारा इतना सुंदर बाबा ने दिया है, इस समय को जितना हम सदुपयोग कर सके, इसका सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है, उसको पार करना है, और एक दूसरे के सहयोग से ही उसको पार कर सके, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन महसूस होगा लोगों को। तो फिर ये बाबा कहे इस विशेषता को अपने जीवन के अंदर ले आओ, और इस विशेषता की जो वास्तविकता है, जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को अपने जीवन में ला करके महसूस कराओ हर एक को कि जीवन जीना है तो ऐसे जी, क्योंकि आज लोगों को भी एक राह चाहिए, अंजलि चाहिए, बस कोई हमें गाइड करने वाला मिल जाए, कोई हमें दिशा निर्देश देने वाला मिल जाए कि बस ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इतना सहज रास्ता बाबा ने बच्चों को बताया है, लेकिन ये सहज रास्ता तो अभी अपना सकेंगे ना, कि जब मन को इतना निर्मल बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते बस निर्मलता पवित्रता तभी आएंगी जब नम्रता अंदर में होगी, जितनी नम्रता निर्माणता उतना एक दूसरे के सहयोगी बनना आसान होगा। अगर अहंकार व्यक्ति का इस समय में आ जाए तो वो अहंकार अच्छे से अच्छे समय को भी बुरे से बुरा वक्त बना देगा, और वो बुरे वक्त को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निर्मल वाणी हो, नम्रता अपने प्यार में हो, यही तो रियलिटी है जो बाबा ने आज कही। जब हमें जाना है, लॉयल्टी को अपने जीवन में रखनी करनी है, तो लॉयल्टी आती ही है सद्गुणों से, देश में लॉयल्टी क्योंकि वो सर्व गुण संपन्न थे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ये परीक्षा के वक्त में आवश्यकता है कि उन सद्गुणों को हम अपने जीवन में विकसित करें। दादी हमेशा कहती थी पवित्रता, पवित्रता अगर होगी तो जीवन के अंदर गंभीरता आएगी, और गंभीरता होगी तो व्यवहार में मधुरता आएगी, मधुरता होगी तो नम्रता अपने आप हमें निर्माण बना ही देगा, कि हर एक के साथ व्यवहार में वो नम्रता होगी, और यही जीवन की सरलता है, सहजता है, पुरुषार्थ को नेचुरल बना देगा, नेचुरल योगी बनाएगा। तो इसीलिए दादी हमेशा ये पांच बातें कहती थी, पवित्रता रियलिटी जिसको कहा जाए, सच्चाई अगर है हमारे अंदर तो वो सच्चाई खाली दिल की नहीं होती है, वो पवित्रता खाली दिल के अंदर है, मैं जानती हूँ मेरा दिल कितना पवित्र है, ये नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, तो जीवन के अंदर गंभीरता है ना, ये हर बात को समझते हुए चलना है, समय को समझते हुए, व्यक्तियों को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए, ड्रामा के हर सीन को समझते हुए, तो ये गंभीरता जो बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुमने रचयिता को जाना और रचना के आदि मध्य अंत को जाना, अब आदि मध्य अंत को जिसने जाना हो तो कितनी गंभीरता उसके जीवन के अंदर आ जाए।
अर्थात हर बात कितना सोच समझ करके ड्रामा की हर सीन को समझते हुए चलेगा, यही तो गंभीरता है। तो जल्दी रिएक्शन में आने के बजाय, नेगेटिव होने के बजाय, व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने के बजाय, जब गंभीरता जीवन के अंदर होगी तो हर बात को यथार्थ समझते हुए आगे कदम बढ़ाएंगे। और कदम में क्या होगा, तो तीसरी स्टेज आती है नम्रता, निर्माणता। जो व्यक्ति गंभीर होगा वो नम्र हो जाएगा, समय अनुसार मोल्ड होने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। और जो व्यक्ति समय पर मोल्ड होना जानता है तो नेचुरल है उसके संबंध में, व्यवहार में सहज मधुरता आएगी। वो हर एक के साथ मीठे से व्यवहार करेगा, ये मिठाई सबको बांटता जाएगा, ये मधुरता जितनी हमारे व्यवहार में आती जाएगी तो हमारे लिए जीवन सरल सहज हो जाएगा। यही तो प्रैक्टिकल रॉयल्टी है लाइफ की। सतयुग के अंदर जो नेचुरल रॉयल्टी थी वो रॉयल्टी वाले संगम युग में ही तो धारण करने। तो ये पांच बातें महामंत्र के रूप में, अगर ये पांचों बातें होंगी तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा, चुंबकीय व्यक्तित्व हो जाएगा, जो उससे कनेक्टेड सारे सदगुणों को स्वतः जीवन के अंदर खींच करके ले आएंगे। तो पवित्र है खाली ब्रह्म के लिए को नहीं कहा गया, लेकिन इसके बाद हम हमेशा कहते पवित्र ब्रह्म। तो ब्रह्म बाबा ने किस बात का आचरण करके सिखाया, तो ज्ञान को हजम किया हो जिसने, तो गंभीरता तो आए कि मम्मा का व्यक्तित्व इतना गंभीर था। क्यों? क्योंकि मम्मा ने ज्ञान की एक एक बात को हजम करके अपने जीवन के अंदर उसकी शक्ति को अनुभव किया था। तो ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन यही समय है जब लॉकडाउन का हमें मिला है तो ज्ञान को उगाड़ने का समय है। और जितना उस ज्ञान को उगाड़ते जाएंगे, गंभीरता आती जाएंगी, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे व्यवहार में नम्रता, मधुरता और सरलता। जो कभी भी कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ी समस्या को सहज सुलझा देती है, कोई भी बात को उलझाएगी नहीं, क्योंकि जितनी बातें उलझेंगी उतना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, रिश्ते हमारे खराब होते जाएंगे। तो यही समय है दुनिया में, लोग रिश्तों में उलझ रहे हैं और बाबा के बच्चे रिश्तों में सुलझते जा रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर धारण करते हैं। ठीक है ना सभी? ऐसे ही बाबा की बातों को अब जितना हो सके उगाड़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए उसको अपनी शक्ति बनाना है। जहाँ शक्ति होगी वहाँ समर्थि होगी, और समर्थि होगी तो बस सहज। इसीलिए आज बाबा ने जो कहा कि बच्चे निरंतर याद करो, खाली बैठ करके याद करना ऐसे नहीं, चलते फिरते भी याद करो, सुबह सुबह छतों पर जाकर पैदल करो, या छत पर पैदल करो, नीचे पैदल करो, सहज हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये बाबा ने जैसे कहा अभी निरंतर योगी बनने का समय है, तो निरंतर योगी उसको नहीं कहा जाता है खाली पढ़ी सुन लिया, सुना दिया या योग लगा दिया फिर बाकी समय में हम कुछ भी करते रहे, नहीं। तो वो रॉयल्टी यहाँ पर जीवन के अंदर, तो ये फाइनल समय बाबा ने दिया है कि जो अब कर लेंगे के बाद शायद नहीं मिलेगा, इसके बाद दोबारा पुरुषार्थ करने का समय नहीं होगा। तो इसलिए यही समय है, जितना इस समय को सफल करो, जितना इस समय का सदुपयोग करो, उतना हमें प्राप्ति अर्थात अनगिनत रूप से जाएगी। ठीक है जी 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 हाँ।
ऑटो नहीं आ रही है आपकी। अच्छा बाकी बहुत अच्छा लगा सबको, मैडम भी जी खुश, यहाँ बहने भी खुश है। इतना हाँ अच्छा जी बताया कि बुद्धि रूपी कमंडल को पहले शुद्ध हाँ बनाना है। जी इतना शुद्ध होगा तभी तो कुछ ग्रहण होगा ना। सही बात और है ये भी तो सुनाया कि हर एक की विशेषता को देखना है। जब जी एक की विशेषता को देखेंगे तो विशेषता हमारे अंदर आएगी और आपस में भी बहुत प्यार रहेगा। जी और बाकी निर्भय बनना हाँ है दुनिया वाले डरते हैं लेकिन हम हाँ पावर के बच्चे सदा निर्भय हैं। तो बहुत अच्छा सुनाया आपने, सबको बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद करती हैं कि आप इतना बिजी होते हुए भी आपने अपना समय निकाला। हम स्वास्थ्य विहार वालों को आपने अपना समय दिया तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। और ऐसा लगा जी कि हम मधुबन ही सुन रहे हैं, हम सारे जी भाई बहन मधुबन गए और वहां जी आपसे सुन रहे हैं। कितना मजा जी आया, ये बहुत बहुत थैंक यू यू। हाँ ठीक है दीदी। ओके